विधाता ने प्रारंभ से ही जिनके भाग्य में लिख दिया है उनकी आयु प्रतिदिन गुरु गुरु जपते हुए ही व्यतीत होती है। सतगुरु के बिना कोई भी अपने मनोरथ में सफल नहीं होता, अतः हमने अपना चित्त गुरु चरणों में लगा दिया है। जिसे वह चाहता है उसे ही नाम देता है, पर गुरु के सानिध्य में ही जीव नाम पदार्थ पाता है। हे नानक, अपनी कृपा करके प्रभु जिसे नाम प्रदान करता है वह नाम में ही समाया रहता है। ज्ञान रूपी रतन मन में प्रकट हो गया है और सहज ही नाम रूपी पदार्थ पाया है। यह बड़ियाई भी गुरु से प्राप्त हुई है, अतः मैं सतगुरु पर सदा बलिहारी जाता हूँ। जैसे सूर्य उदय होने पर रात्रि काल का अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही गुरु के दिए अपार ज्ञान रतन से अज्ञान मिट गया है। सतगुरु का ज्ञान रतन अति अमूल्य है। पूर्ण भाग्य से जिसे मिल जाता है वह सुख प्राप्त करता है। गुरु के सानिध्य में जिसे नाम प्राप्त हुआ है उसकी शोभा समूचे जगत में प्रकट हो गई है और चहु युगों में समस्त लोकों में उसे ही पवित्र एवं गुणवान माना जाता है। जो व्यक्ति केवल नाम में ही लीन रहता है उसने ही सुख पाया है और वह नाम में ही लगन लगाकर रखता है। जिसे गुरु के सानिध्य में प्रभु नाम प्राप्त हो जाता है वह सहज अवस्था में ही जागता और सोता है। गुरमुख नाम में लीन रहकर परमात्मा जी में विलीन हो जाता है। हे नानक, वह परमात्मा जी के नाम का ही मनन करता रहता है। भक्तों के मुंह में हर वक्त अमृत वाणी ही रहती है। गुरु ने अपने मुखारविंद से हरि नाम ही कहकर सुनाया है। परमात्मा जी का नाम जपने से मन सदा खिला रहता है, अतः परमात्मा जी के चरणों में ही मन लगाया है। हम मूर्ख एवं अज्ञानी हैं और हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। अब मन में सतगुरु से समझ पड़ गई है। हे प्रभु जी, दयालु हो जाओ और कृपा करके सतगुरु की सेवा में लगा कर रखो। जिसने सतगुरु को जान लिया है उसने एक परमेश्वर को भी पहचान लिया है। जीवों को सुख देने वाला परमेश्वर सर्वव्यापक है। जिस जीव ने अपनी आत्म ज्योति को पहचान कर परम पद पाया है उसकी सुरती प्रभु सेवा में ही लीन रहती है। जिन्हें प्रारंभ से ही बड़ियाई मिली है सतगुरु उनके मन में बसा रहता है और उनकी उसमें ही लगन लगी रहती है। हे नानक, संसार को जीवन देने वाला निरंकार प्रभु स्वयं ही उन्हें मिला है और वे उसके चरणों में ही लीन रहते हैं। मारू महल्ला चार, हर अगम अगोचर सदा अविनाशी, सर्वे रब रहिया घटवासी, तिस बिन अंबर ना कोई दाता, हर तिस सहसरे वह प्राणी है, जाकौ राखे हर राखण हारा, ताकौ कोई न साकस मारा, सो ऐसा हर से वह संत है, जाकी उत्तम वाणी है, जा जापे किछ किथाउ नाही, ता करता भरपूर समाही, सुके ते फुन हरिया की तो, हर ध्या वह चोंज विडाणी है, तिस साहिब के हौ कुर्बाने, तिस आगे जन कर बेनती, जो सर्व सुखा का दानी है, जो जिए की सार न जाने, तिस सिउ किछ ना कहिए अजाने, मूरख सिउ नह लूझ प्राणी, हर जप ये पद निर्वाणी है, ना कर चिंत चिंता है करते, हर देवे जल थल जनता सभते, अचिंत दान देई प्रभ मेरा, बिच पाथर कीट पखानी है, ना कर आस मीत सुत भाई, ना कर आस किसे सह बहुहार की पराई, बिन हर नावे को बेली नाही,
हर जप ये सारंग पाणी है, अन दिन नाम जपै बनवारी, सब आशा मनसा पूरे थारी, जन नानक नाम जपै भव खंडन, सुख सहजे ऋण विहानी है, जिन हर से व्यातिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, जो शरण परे तिस की पत राखे, जाई पूछे वेद पुराणी है, जिस हर सेवा लाए सोई जन लागे, गुर के शब्द भरम भव भागे, बिचे ग्रह सदा रहे उदासी, जीव कमल रहे बिच पानी है, बिच हव में सेवा थाई न पाए, जन्म मरे फिर आवे जाए, सो तप पूरा साईं सेवा, जो हर मेरे मन भाणी है, हव किया गुण तेरे आखा स्वामी, तू सर्व जिया का अंतर जामी, हव मांगो दान तुझे पह करते, हर अन दिन नाम बखानी है, किसकी जोर अहंकार बोलन का, किस ही जोर दीवान माया का, मैं हर बिन टेक धर अंबर ना काई, तू करते राख मैं निमाणी है, निमाणे मान करह तुद भावे, होर केती झाक झाक आवे जावे, जिनका पख करह तू स्वामी, तिनकी ऊपर गल तुद आनी है, हर हर नाम जिन्नी सदा ध्याया, तिन्नी गुर प्रसाद परम पद पाया, जिन हर से व्यातिन सुख पाया, बिन सेवा पछुतानी है, तू सब मह बरत है हर जगनाथ, सो हर जपे जिस गुर मस्तक हाथ, हर की शरण पाया हर जापी, जन नानक दास दसानी है, मन वाणी से परे परमेश्वर जी सदा अनश्वर है, सर्व व्याप्त सब में रमण कर रहा है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई देने वाला नहीं है, हे प्राणियों सो ऐसे प्रभु की उपासना करते रहो, ईश्वर समूचे संसार का रखवाला है, अतः जिसकी भी वह रक्षा करता है उसे कोई भी मार नहीं सकता, हे भक्त जनों सो ऐसे ईश्वर की अर्चना करो, जिसकी वाणी सबसे उत्तम है, जहां मालूम होता है कि किसी स्थान पर कुछ भी नहीं है, वहां ईश्वर सर्वव्यापी है, जिसने सूखे को भी पुनः हरा भरा कर दिया है, जिसकी लीला बड़ी अद्भुत है, सो उस परमेश्वर का भजन करो, मैं तो उस मालिक पर ही कुर्बान जाता हूँ, जो सब जीवों का दुख दर्द जानता है, हे भक्त जनों उसके समक्ष ही विनती करो, जो सर्व सुखों का दाता है, जो दिल की खबर नहीं जानता, उस ना समझ इंसान को कुछ भी नहीं कहना चाहिए, हे प्राणी मूर्ख आदमी से कभी झगड़ा मत करो, अपितु भगवान का जाप करते रहना चाहिए, जिससे निवारण पद मिलता है, हे मानव किसी बात की चिंता मत करो, क्योंकि परमात्मा जी को तो सब की चिंता है, वह तो समुद्र पृथ्वी में रहने वाले सब जीवों को आहार देता है, मेरा प्रभु तो पत्थर की चट्टानों में रहने वाले कीटों को भी रिजक देता है, अपने मित्र पुत्र एवं भाई की भी कोई आशा मत करो, और ना ही किसी साहूकार एवं अपने वाणिज्य व्यापार की कोई पराई आशा करो, परमात्मा जी के नाम बिना कोई भी तेरा सच्चा साथी नहीं, सो उसका नाम जपते रहना चाहिए, प्रतिदिन परमात्मा जी का नाम जपते रहो, वह तेरी सब आशाएं एवं मनोरथ पूरे कर देगा, हे नानक जन्म मरण का चक्कर मिटाने वाले प्रभु का नाम जपते रहो, इससे तेरी जीवन रूपी रात्रि सुखमय एवं परम आनंद में व्यतीत होगी, जिसने भी ईश्वर की उपासना की है उसने ही सुख पाया है, और वह सहज अवस्था में प्रभु नाम में वलीन हो गया है, जो भी उसकी शरण में पड़े हैं प्रभु ने उनकी लाज रखी है, इस सच्चाई के संदर्भ में वेद पुराण भी हामी भरते हैं, भगवान जी जिसे अपनी आराधना में लगाता है वही खुश नसीब
उसकी आराधना में तल्लीन होता है।